पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई किया जाता है, लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि हमारे देश में कितने प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे देश में आमतौर पर 4 तरह के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं, लेकिन यह आवेदक पर निर्भर करता है कि उसे कौन सा लाइसेंस चाहिए। आज हम आपको एक एक करके इन चारों लाइसेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले नंबर पर लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस आता है। यदि आप पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं तो आपको सबसे पहले लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। ये लाइसेंस ड्राइविंग सीखने के लिए जारी किया जाता है। इसकी वैलिडिटी केवल 6 महीने के लिए होती है, जो सभी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस से सबसे कम है। लर्निंग लाइसेंस के लिए 150 रुपये सरकारी फीस जमा करनी होती है। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने के 1 महीने बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसलिए दूसरे नंबर पर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आता है। भारत में सबसे ज्यादा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जाता है। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसलिए लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने से पहले परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर लेना चाहिए। ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद RTO परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है। इसकी जानकारी सरकारी फीस 200 रुपये होती है। तीसरे नंबर पर कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस आता है। कॉमर्शियल वाहन चलाने के लिए यह ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की 3 कैटेगरी होती है, जिसमें पहली कैटेगरी हैवी मोटर व्हीकल की होती है, दूसरा मीडियम मोटर व्हीकल और तीसरा लाइट गुड्स ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल की होती है। कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए एलिजिबिलिटी थोड़ी अलग है। हालांकि इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के जैसे ही होती है। कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की सरकारी फीस 600 रुपये होती है। चौथे नंबर पर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आता है। इसे आम भाषा में परमिट कहा जाता है। भारतीय नागरिकों को विदेशों में गाड़ी चलाने के लिए यह परमिट जारी किया जाता है। RTO इस परमिट को कई भाषाओं में प्रिंट करता है ताकि जिस देश में आप जा रहे हैं वहां के अधिकारियों के लिए आपकी ड्राइविंग योग्यता की जांच करने में आसानी हो सके। यह परमिट लेने के लिए परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है। इस परमिट की वैलिडिटी 1 साल की होती है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की सरकारी फीस 1000 रुपये जमा करनी होती है। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।